संगीत हमारे जीवन का एक ऐसा मुकाम होता है जब हम शायद सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूजन इसलिए क्योंकि ट्वेल्थ के बाद हमारे सामने इतने सारे रास्ते खुले होते हैं कि अक्सर हमें समझ ही नहीं आता कि कौन सा रास्ता चुनें और कौन सा छोड़ें। तभी तो जहाँ एक तरफ कुछ लोग ट्वेल्थ के बाद आगे पढ़ाई का रास्ता चुनते हैं, जबकि कुछ को पढ़ाई छोड़ कर नौकरी करनी पड़ती है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण आर्थिक तंगी होता है। मगर कई लोग ऐसे भी होते हैं जो इतने दिन पढ़ाई करने के बाद अब थोड़ा ब्रेक चाहते हैं और नौकरी करने लगते हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो ट्वेल्थ के बाद के अपने फ़ायदे और अपने नुकसान दोनों हो सकते हैं, और आज की इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसका टॉपिक है 12वीं के बाद जॉब के फायदे और नुकसान। नंबर एक, वर्क एक्सपीरियंस। जल्दी नौकरी शुरू करने से आप वास्तविक जीवन का वर्क एक्सपीरियंस काफ़ी जल्दी ले सकते हैं। यह कार्य अनुभव पढ़ाई पूरी होने के बाद नौकरी पाने में मदद करेगा। अक्सर देखा गया है कि एम्प्लॉयर्स ऐसे कर्मचारियों की तलाश करते हैं जो काम के माहौल को समझते हैं और एक टीम के हिस्से के रूप में अच्छी तरह से काम करते हैं। अंशकालिक नौकरी के अनुभव से पता चलता है कि आपके पास पेशेवर दुनिया के लिए कुछ जोखिम है, और यह नौकरी खोज के दौरान अन्य उम्मीदवारों पर लाभ प्रदान करेगा। नंबर दो, पैसा। बेशक पैसा वह कारक है जो आपको अंशकालिक नौकरी की ओर ले जाता है। आप अपने बिल, शिक्षण शुल्क का भुगतान कर सकते हैं, आवश्यक चीज़ें खरीद सकते हैं, और इससे आपके माता पिता पर आपके अध्ययन के खर्च का बोझ कम हो जाएगा। नंबर तीन, मनी मैनेजमेंट। माता पिता से मिलने वाले पॉकेट मनी से कोई भी बजट नहीं बनाता, लेकिन जब आप कमाना शुरू करते हैं और अपनी मेहनत की कमाई खर्च करते हैं तो आप इसके बारे में सोचना शुरू करते हैं और योजना बनाते हैं कि आप अपना पैसा कैसे और कहाँ खर्च करेंगे और आप कितना खर्च करेंगे, साथ ही आप कितना बचाते भी हैं। नंबर चार, समय प्रबंधन। पढ़ाई के साथ काम करने से आपके पास समय कम और व्यस्तता भी कम हो जाती है, इसलिए आपको अपना समय इस तरह से प्रबंधित करना होगा कि आपकी पढ़ाई और काम दोनों प्रभावित ना हो। नंबर पाँच, उपयोगी कौशल विकसित करें। जल्दी नौकरी शुरू करने से आप कई उपयोगी कौशल विकसित कर सकते हैं जो आपके पेशेवर जीवन में आपकी मदद करेंगे, जैसे टीम वर्क, संगठनात्मक कौशल, मल्टीटास्किंग, समय प्रबंधन, कार्य पहल कौशल, बैठक शिष्टाचार आदि। नेटवर्किंग के अवसर। ट्वेल्थ के बाद नौकरी करने से आपको पेशेवर दुनिया के कई लोगों से मिलने का मौका जल्दी मिल जाता है। यह आपके नेटवर्क को बढ़ाने का एक अवसर प्रदान करता है। नंबर छह, आपके दोस्त आपसे आगे निकल जाते हैं। आपके लिए अपने दोस्तों को उनके शिक्षा जीवन में आगे बढ़ते हुए देखना मुश्किल हो सकता है, जबकि आप अभी भी यह पता लगा रहे हैं कि कौन सी नौकरी करनी है। यह कॉलेज में शामिल होने से पहले काम करने के दुष्प्रभावों में से एक है, और यदि आप इस बारे में स्पष्ट नहीं है कि आप जीवन में क्या चाहते हैं, तो यह आपके दिमाग को नकारात्मकता से भर सकता है। नंबर सात, पढ़ाई से अलग हो जाना। कॉलेज से पहले काम करना अप्रत्याशित भत्तों और लाभों के साथ आ सकता है। यह आपको पढ़ाई से अलग कर सकता है और आपको काम पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित कर सकता है, जबकि कई ड्रॉप आउट अरबपति हैं जिन्होंने इस प्रथा को बड़ा बना दिया है। यह आपके वर्तमान नौकरी के काम नहीं करने की स्थिति में बैकअप के रूप में सुरक्षित खेलने और कॉलेज की डिग्री प्राप्त करने में मदद करता है। तो अंत में निष्कर्ष रूप में यही कहा जा सकता है कि बेहतर यही होगा कि आप कम से कम ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई जरूर करें। यदि ऐसा करना मुश्किल है तो नौकरी करने, लेकिन साथ ही साथ अपनी पढ़ाई के विकल्प भी तलाशते रहें। यह ध्यान में जरूर रखिए कि यदि आप किसी सरकारी सेवा में जाना चाहते हैं तो 90% में आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो, एक नए विषय के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।